हम ओमाइक्रोन संस्करण के बारे में क्या जानते हैं? ओमाइक्रोन क्या है और आपको अपने परिवार की सुरक्षा के लिए क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? ओमाइक्रोन कोरोना वायरस का एक प्रकार है। ओमाइक्रोन वेरिएंट क्या है? 24 नवंबर 2021 को दक्षिण अफ्रीका ने विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO को एक नए SARS-CoV-2 संस्करण B.1.1.529 की पहचान की सूचना दी। B.1.1.529 पहली बार 11 नवंबर 2021 को बोत्सवाना में और 14 नवंबर 2021 को दक्षिण अफ्रीका में एकत्र किए गए नमूनों में पाया गया था। अब यह कुछ ही महीनों में पूरी दुनिया में फैल गया। कोविड-19 के इस प्रकार को ओमाइक्रॉन के नाम से जाना जाता है। ओमाइक्रॉन संस्करण कैसे विकसित हुआ? जब एक वायरस व्यापक रूप से फैल रहा है और कई संक्रमण पैदा कर रहा है, तो वायरस के उत्परिवर्तित होने की संभावना बढ़ जाती है। एक वायरस को फैलने के जितने अधिक अवसर होते हैं, उतने ही अधिक अवसरों में उसे बदलाव से गुजरना पड़ता है। ओमाइक्रॉन संस्करण कहाँ मौजूद है? दुनिया भर के कई देशों में अब ओमाइक्रॉन संस्करण का पता चला है। WHO की रिपोर्ट है कि ओमाइक्रॉन शायद अधिकांश देशों में है, भले ही अभी तक इसका पता नहीं चला है। क्या ओमाइक्रॉन वेरिएंट अन्य कोविड-19 वेरिएंट की तुलना में अधिक गंभीर है? प्रारंभिक निष्कर्ष बताते हैं कि ओमाइक्रॉन डेल्टा संस्करण की तुलना में कम गंभीर हो सकता है, लेकिन अधिक डेटा की आवश्यकता है और WHO ने चेतावनी दी है कि इसे हल्का के रूप में खारिज नहीं किया जाना चाहिए। क्या ओमाइक्रॉन संस्करण अधिक संक्रामक है? ओमाइक्रॉन अन्य वेरिएंट की तुलना में अधिक तेजी से फैल रहा है। उपलब्ध जानकारी के आधार पर WHO का मानना है कि यह संभावना है कि ओमाइक्रॉन डेल्टा संस्करण से आगे निकल जाएगा, जहां समुदाय में COVID-19 संचरण है। क्या ओमाइक्रॉन संस्करण विभिन्न लक्षणों का कारण बनता है? यह सुझाव देने के लिए कोई जानकारी नहीं है कि ओमाइक्रॉन अन्य COVID-19 प्रकारों से भिन्न COVID-19 लक्षणों का कारण बनता है। क्या COVID-19 के टीके ओमाइक्रॉन वेरिएंट के खिलाफ प्रभावी हैं? शोधकर्ता COVID-19 टीकों की प्रभावशीलता पर ओमाइक्रॉन संस्करण के किसी भी संभावित प्रभाव को देख रहे हैं। जानकारी अभी भी सीमित है, लेकिन गंभीर बीमारी और मृत्यु के खिलाफ टीकों की प्रभावशीलता में थोड़ी कमी हो सकती है और हल्के रोग और संक्रमण को रोकने में गिरावट हो सकती है। हालांकि WHO की रिपोर्ट है कि अब तक ऐसा लगता है कि वर्तमान में उपलब्ध टीके गंभीर बीमारी और मृत्यु के खिलाफ महत्वपूर्ण सुरक्षा प्रदान करते हैं। क्या एक पूर्व COVID-19 संक्रमण ओमाइक्रॉन संस्करण के खिलाफ प्रभावी है? WHO की रिपोर्ट है कि शुरुआती सबूत बताते हैं कि पिछला संक्रमण डेल्टा जैसे चिंता के अन्य रूपों की तुलना में ओमाइक्रॉन के खिलाफ कम सुरक्षा प्रदान कर सकता है। हालांकि जानकारी अभी भी सीमित है। क्या वर्तमान COVID-19 परीक्षण ओमाइक्रॉन प्रकार का पता लगाते हैं? व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले PCR और एंटीजन आधारित रैपिड डायग्नोस्टिक परीक्षण ओमाइक्रॉन सहित COVID-19 के संक्रमण का पता लगाना जारी रखते हैं। क्या बच्चों के ओमाइक्रॉन संस्करण के अनुबंधित होने की अधिक संभावना है? ओमाइक्रॉन की संप्रेषणीयता में अनुसंधान जारी है। हालांकि जो लोग सामाजिक रूप से घुल मिल रहे हैं और जिनका टीकाकरण नहीं हुआ है, उनमें COVID-19 होने की आशंका अधिक होती है। मैं अपने और अपने परिवार को ओमाइक्रॉन संस्करण से कैसे बचा सकता हूँ? सबसे महत्वपूर्ण चीज जो आप कर सकते हैं, वह है वायरस के संपर्क में आने के जोखिम को कम करना। अपनी और अपने प्रियजनों की सुरक्षा के लिए यह सुनिश्चित करें। एक ऐसा मास्क पहने जो
आपकी नाक और मुंह को ढके। दो, सुनिश्चित करें कि मास्क लगाते समय आपके हाथ साफ हों और अपना मास्क हटा दें। तीन, दूसरों से कम 1 मीटर की शारीरिक दूरी बनाकर रखें। चार, खराब हवादार या भीड़भाड़ वाली जगहों से बचें। पाँच, घर के अंदर वेंटिलेशन में सुधार के लिए खिड़कियां खोलें। छह, अपने हाथ नियमित रूप से धोएं। सात, जब आपकी बारी हो तो टीका लगवाएं। आठ, WHO द्वारा अनुमोदित COVID-19 टीके सुरक्षित और प्रभावी हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मास्क का उचित उपयोग, बार बार हाथ धोना, नियमित व्यायाम और समय पर संतुलित आहार लेकर अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।